नमस्कार, स्वागत है सभी का। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है मित्रों। इस क्लास में मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है वो उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं और थोड़ा सा मैं झलक दिखला देता हूं आपको। ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति आज से प्रारंभ कर रहा हूँ मित्रों ये क्लास, और दिन में दो दो तीन तीन क्लास डाल के, और मैं आगामी 5 से 7 दिन में इस बुक को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और ये इतनी बेहतरीन क्लास होगी कि बुक से पढ़ने के बाद में मैं रट्टा मरवा दूंगा, रट्टा कभी नहीं भूलोगे। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट वाले स्पेशल क्लास है उनके लिए। मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं मित्रों। बुक जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये पढ़ेंगे, आज से शुरुआत करेंगे। और दिन में दो दो तीन तीन क्लास इसकी डालकर मैं आगामी 5 से 6 दिन में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। और फिर इस बुक को कंप्लीट करवाने के बाद में पुराने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है वो कंप्लीट करवाऊंगा मैं यूट्यूब पे। यहाँ फ्री निःशुल्क क्लास रहेगी, ये किसी भी प्रकार का पेड नहीं होगा, पूरा यूट्यूब पे करवाया जाएगा। और उसके बाद में नई एनसीईआरटी वाली बुक है वो भी मैं करवाऊंगा। तो फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकेंड ग्रेड वाले, रेट वाले तैयार हो जाए। तो ये मेरा एक नया तरीका है करवाने का कि मैंने सोचा कि इसको नोट्स नहीं बना के पहले बुक को करवाए, और बुक करवा के फिर साइड में जो मेरे नोट्स है जैसे मैंने रट्टा मार रखा है वैसे आपको रटवा दूंगा। इस तरीके से मैं यूट्यूब पे लेके आया हूँ। यदि ये मेरी क्लास आपको पसंद आए और आप इस मेरे प्लान से संतुष्ट हो तो आप मुझे थम्स अप दिखा करके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी लिख दीजिएगा। ये जो आज शुरू करने जा रहा हूँ मैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अजमेर की बुक है। और ये जो बुक पढ़ेंगे मित्रों, इस बुक का सिलेबस क्या रहने वाला है थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। ये सिलेबस रहने वाला है अपना, इस बुक में 11 अध्याय है और इस 11 अध्याय को मैं 5 से 6 दिन में ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा और कचरा पट्टी नहीं करूंगा, विद द पॉइंट ही चलेंगे अपन लोग। इधर देखिए, पहला अध्याय है इसका राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। दूसरा है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। तीसरा इसका अध्याय है उत्सव, त्योहार और मेले, वस्त्र और आभूषण। चौथा अध्याय है, पांचवा अध्याय है चित्रकला और लोक कलाएं, और छठा अध्याय है स्थापत्य शिल्प के विविध आयाम, और सातवां अध्याय है लोक संगीत और राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, और नौवां अध्याय है राजस्थान की भाषा और साहित्य, और दसवां अध्याय है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, और ग्यारहवां है राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व। यदि इन 11 अध्यायों में से ये 1 नंबर वाला और ये 11 नंबर वाला ये 2 अध्याय हटा दे तो ये बीच वाले बच गए कितने, 11 में से 2 हटा दिए, बीच वाले ये जो 9 अध्याय है ये पूरा का पूरा कला और संस्कृति की बात करता है मित्रों। और इस बुक का कला और संस्कृति में से रीट में एग्जाम में आया है, और पिछली रीट हुई थी उसमें भर भर के प्रश्न पूछे गए थे, 8-10% तो सीधे के सीधे उठा लिए थे इसी से। तो इस बुक को अच्छे से रट्टा मारना है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 से 6 दिन में रटा दूंगा। तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं मित्रों राजस्थान इतिहास का एक परिचय पहले अध्याय से। तो चलिए देखते हैं पहला अध्याय, ये पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय का नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। पहले इसको बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं अगले पेज पे इसको पढ़ने के बाद में इसको रट्टा मरा दूंगा कि इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और अब कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं। ये बोलता है कि 1949 से पूर्व राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी, राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी। तो फिर क्या है कि ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम ये जो क्षेत्र है इसका नाम राजपूताना रखा, और फिर 1829 में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक में कर्नल जेम्स टोड इसका प्रदेश का नाम है वो रायथान और राजस्थान रखता है। और फिर सर्वसहमति से कहते हैं कि 30 मार्च 1949 के दिन इस संपूर्ण भूभाग का नाम है वो राजस्थान रखा गया, ऐसा ये बुक उल्लेख करती है। और ये बुक कहती है कि प्राचीन साहित्य अभिलेखों और वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम भी, प्राचीन नाम क्या थे और नाम भी इस बुक में बताए हैं, कौन कौन से नाम बताए हैं। तो ये कहते हैं कि प्राचीन काल में इन राजस्थान का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है, और मरु क्षेत्र, यहाँ का क्षेत्र एक मरु था, एक धनव था, एक जंगल था, एक मत्स्य था, सूरसेन था। और मरु और धनव के बारे में कहा है कि ये एक ही थे, जोधपुर के संभाग को मरु और धनव कहते थे, और जोधपुर को सबसे पहले मरु कहते थे, फिर मरुवार कहते थे, और कालांतर में ये मारवाड़ कहलाए। जंगल प्रदेश की बात करता है मित्रों, जंगल प्रदेश के क्षेत्र को ये कहता है कि सम्मी, केर और पीलू आदि होते थे, इन 3 वृक्षों के नाम पे इसका नाम जंगल प्रदेश पड़ा। बीकानेर नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाया। महाभारत काल में एक राज्य हुआ करता था मत्स्य, इसलिए मत्स्य नाम भी इसका इसका प्रचलित है, प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र का नाम मत्स्य भी है।
जयपुर अलवर और भरतपुर तक का विस्तृत क्षेत्र था वो मत्स्य के अंतर्गत आता था। इनकी राजधानी विराटनगर बताई गई है। और कहते हैं मित्रों की भरतपुर है और मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र धौलपुर और करौली वाला ये जो भाग है इसको सूरसेन कहते थे। बड़ी बड़ी बात यह है कि इसमें मरु का उल्लेख है, धनम का उल्लेख है, इसमें जंगल का उल्लेख है, मत्स्य और सूरसेन का उल्लेख है। और इसमें ये मत्स्य और विराट इसकी राजधानी विराट का भी उल्लेख है और विराटनगर का भी और सूरसेन का भी उल्लेख है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर यदि कुछ नाम और देखें तो एक नाम ये काटल प्रदेश का मिलता है और एक नाम मित्रों छप्पन के मैदान का मिलता है। यदि अगले पेज पे चले तो कुछ नाम और मिलते हैं, जैसे कालांतर में ये भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक के भाग को ऊपरमाल कहा गया, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जैसलमेर को मांड कहा गया और डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ कहा गया और कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को क्या गया, हाड़ौती कहा गया। ध्यान रखना कोटा बूंदी दो ही नाम दिए, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये चार जिले हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं लेकिन यहाँ दो ही नाम मेंशन है, और शिक्र चूरू और झुंझुनू ये तीन नाम से कवाटी कहलाते थे। अब ये पहले पेज में पहले अध्याय में नाम की शुरुआत कैसे करता है तो मैं यह समझा देता हूँ। ये कहता है मित्रों कि इसने तीन तिथियां मेंशन करी है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, सबसे पहले ये कहता है कि 1949 से पहले राजस्थान का कोई नामकरण नहीं था, इस क्षेत्र का कोई नामकरण नहीं था। फिर ये कहता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, कौन, जॉर्ज थॉमस, इस जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को क्या नाम दिया तो बता देना, राजपुताना, राजपुताना। ये सबसे बढ़िया प्रश्न बन सकता है। और तीसरी तिथि है मित्रों 1829, कहते हैं कि 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एक बुक लिखी, उसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज कर्नल जेम्स टोड की बुक है। इस बुक में क्या नाम लिखा तो बता देना, रायथान एंड रायथान या राजस्थान, रायथान या राजस्थान, ये दो नाम की चर्चा करता है कौन, कर्नल जेम्स टोड। अब तक की जो कहानी पढ़ी, जितना मैटर पढ़ा, इस मैटर में निकल के क्या आया कि 1949 से पहले राजस्थान नाम का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, इनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो फिर क्या था, तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस कहता है कि यहाँ राजपुताना था, राजपूत राजा निवास करते थे, राज्य करते थे, इसलिए राजपुताना कहा गया जॉर्ज थॉमस के अनुसार। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि राजस्थान का प्राचीन नाम राजपुताना है, ये किस इतिहासकार ने कहा तो बता देना, जॉर्ज थॉमस ने कब कहा, 1800 ईस्वी में। तो फिर बता देना कि रायथान और राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, तो फिर बता देना 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम क्या तो बता देना, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने रायथान और राजस्थान का ये बात ये कहते हैं। और फिर ये एक बात और कहते हैं कि मित्रों की 30 मार्च कब, 30 मार्च 1949 के दिन, इस बुक में एक पेज पे ऐसा दे रखा है, पीछे वाले पेज पे चलता हूं मैं, पीछे वाले पेज पे ये रहा, ये कहते हैं कि 30 मार्च 1949 के दिन सर्वसहमति से इसका नाम राजस्थान रखा गया, ये लो। तो फिर तीसरी तिथि, चौथी तिथि याद रखनी है, 30 मार्च 1949 इसके दिन सर्वसम्मति से इसका भूभाग का नाम क्या रखा गया तो बता देना, राजस्थान। आपको क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है 1949 से पहले राजस्थान का कोई भौगोलिक नाम था क्या तो बता देना, राजस्थान नाम का कोई उल्लेख नहीं था, वैसे तो था, कैसे था तो बता देना, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस लिखता है, जॉर्ज थॉमस इस संपूर्ण भूभाग को राजपुताना कहते हैं। और 1829 में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की बुक में कर्नल जेम्स टोड इस राजस्थान के संपूर्ण भूभाग को रायथान और राजस्थान नाम देता है। और फिर संपूर्ण रूप से सर्वसहमति से 30 मार्च 1949 के दिन इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, राजस्थान रखा गया। ये पहले अध्याय की बात है मित्रों, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई वाली बुक चल रही है, अच्छे से रट्टा मारना है इस बुक का, इस बुक से सीधे के सीधे प्रश्न उठ के आएंगे, आप बहुत डीप चले जाओगे, बहुत डीप चले जाओगे तैयारी करते करते। कोई कहेगा फर्स्ट ग्रेड तो बहुत गहराई से पूछते हैं, सेकंड ग्रेड बहुत गहराई से पूछते हैं, प्रश्न यही होता है, लेकिन वो आपके दिमाग से खेलते, दिलो और दिमाग से आपकी मेंटेलिटी खेलते हैं और थोड़ा सा घुमा देते हैं प्रश्न को, जैसे ही थोड़ा सा घुमाया, घुमाते ही अपना प्रश्न गलत। आरपीएससी तो खेलती ही आपके दिमाग से है, जबकि इस बार रीट भी नई संस्था करवा रही है, कौन करवा रही है वो आपको पता ही है, तो थोड़ा सा पहले से जागरूक रहे कि इतना आसान प्रश्न बनने वाला नहीं है। और मुख्य मेन पेपर है मित्रों, तो रीट वाले भी सजग रहे, ये जो बुक है इनको अच्छे से पढ़े। अब इसमें जो भौगोलिक क्षेत्र है इसमें कुछ नए नाम थे, उस नए नाम पे चलता हूं मैं। इस बुक में बात की गई है किसकी तो बता देना, मरु की। इस बुक में बात की गई किसकी तो बता देना, धनव की। इस बुक में बात की गई किसकी तो बता देना, मत्स्य की।
मत्स्य की बात की गई है, किस बुक में बात की गई किसकी, तो बता देना सूरसेन की। ये भौगोलिक क्षेत्रों के विभिन्न नाम थे। तो ये बुक ये कहते हैं कि मरु और धनव ये जोधपुर का क्षेत्र था, जोधपुर वर्तमान का जोधपुर समाग है, जोधपुर के आसपास लिख सकते हैं, जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहते थे, मरु और धनव कहते थे। ध्यान रहे मित्रों, ये जो मरु है इस मरु का कालांतर में नाम हो गया क्या, तो बता देना मरुवार हो गया, और यही मरुवार वर्तमान में क्या कहलाता है, जोधपुर कहलाता है। जब एकीकरण हुआ उसमें रियासती काल में इसी जोधपुर को क्या कहा जाता था, मारवाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता, मारवाड़। रट्टा मार लो, इस बुक में नाम लिखे गए ये। पूछ ले कि मरु किसे कहते हैं, तो मरु का मतलब मरु नाम था, मरु का हुआ मरुवार, और मरुवार का वर्तमान क्या है, जोधपुर, और जोधपुर को रियासती काल में क्या कहते थे, रियासती मारवाड़। और वो एग्जामिनर देखो घुमाने के लिए मरु और धनव एक ही बात है, दोनों ही जोधपुर के आसपास के क्षेत्र है, तो मरु नाम नहीं देके वो धनव नाम दे सकता है और आपको कंफ्यूज में डाल सकता है। अब जो गाइड लिख रहे हैं लेखक है, उसमें धनव नाम का कहीं उल्लेख नहीं है, किसी भी गाइड में है ही नहीं नाम, तो फिर कहां मिला ये नाम, इस बुक में मिला है। इस बुक में मरु, मरुवार, मारवाड़, जोधपुर ये तो सभी बुकों में मिल जाएगा, लेकिन इस बुक में नया नाम फंसा दिया उन्होंने, नाम क्या है, धनव। अरे चौथी क्लास की बुक है ना, चौथी क्लास की बुक, उसमें से प्रश्न पूछा गया बिजू का क्या है, बिजू का, और जिस समय थर्ड ग्रेड में पूछा गया था ना तो घूमते रह गए बिजू का क्या है, और चौथी क्लास की बुक में है। ऐसे ही इस बुक में नया नाम आया धनव, रट लीजिएगा, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले रीट वाले, ऐसे नामों से ही आपके प्रश्न बनने वाले हैं। और फिर मैं मत्स्य की बात करूं तो मत्स्य मित्रों महाभारत काल के समय एक जनपद था, महाभारत, महाभारत के समय का एक जनपद था, और मत्स्य के अंतर्गत वर्तमान कौन कौन से जिले आ रहे हैं उसकी बात करें तो अलवर, भरतपुर, अपन लोग ये दो ही पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो पढ़ रहे हैं अलवर को और दूसरा पढ़ रहे हैं भरतपुर को। इस बुक में अलवर भरतपुर के अलावा एक जिले का नाम और ऐड किया हुआ है, आप बुकें पढ़ोगे उसमें मत्स्य जनपद किसे कहते हैं, मत्स्य क्षेत्र कौन सा है, तो अलवर भरतपुर और इनके आसपास लगभग यही लाइन मिलेगी, सभी इतिहासकारों ने ये लिखा है, जबकि इस बुक में लिख रखा है जयपुर, और पहले क्रम पे जयपुर है। ये तीनों याद रखना, क्रम से तीनों देके और आपको फंसा देगा, एक में तो होगा अलवर भरतपुर धौलपुर, दूसरे में होगा अलवर भरतपुर जयपुर, तीसरे में होगा अलवर भरतपुर करौली, ऐसे तीन तीन जिलों के नाम देके आरपीएससी आपको फंसा सकती है। तो ध्यान रखना अलवर भरतपुर ही नहीं जयपुर, ये तीनों क्षेत्र किस में आएंगे, मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत। और मत्स्य क्षेत्र की उस समय राजधानी मित्रों आपको पता ही है, इनकी राजधानी का नाम भी इस बुक ने दिया है, राजधानी क्या थी तो बता देना, इसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर वर्तमान में विराट, विराटनगर इनकी राजधानी थी। एक सूरसेन नाम का उल्लेख है, तो सूरसेन क्या था, तो सूरसेन का भी याद रखना, ये सूरसेन पढ़ रहे हैं अपन लोग, इस बुक में इसका नाम भी मेंशन है कि सूरसेन का क्षेत्र कौन सा था, सूरसेन क्षेत्र, तो फिर बता दीजिएगा सूरसेन भरतपुर है, धौलपुर है और करौली, ये जो तीन जिले हैं इन तीन जिलों का क्षेत्र क्या कहलाता था, सूरसेन। और भरतपुर में ही पूछ ले कि कौन सा, तो इस बुक में दिया है कि भरतपुर में ही मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र है, कौन सा, मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र है। इसको भी रट्टा मार लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स कुछ नहीं बिगड़ने वाला, यदि आप 20 मिनट नोट्स बनाने में लगाते हो, एक घंटा नोट्स बनाने में लगाते हो और 5 मिनट उसको रिवाइज करने में बनाते हो लगाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा भी, ऐसे ही हर लोग पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप पढ़ते गए कि इतने पेज निकाल दिए, इतने पेज निकाल दिए, तो पेज निकालते रहना, तैयारी तो होने वाली नहीं है क्योंकि पेज निकालना है आपको। इससे तो अच्छा है कि आप 5 घंटे पढ़ो, उसकी बजाय 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन 2 घंटे में ऐसा कंटेंट पढ़ो कि जो पेपर में आ जाए, पेपर में आ जाए, आपको फायदा हो जाए। तो प्रश्न जहां से परीक्षा में आ सकता है, एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, उन प्रश्नों को टारगेट करके उनका नोट्स बना के शॉर्ट पेज, सिंगल पेज तैयार करो, ताकि लास्ट के 10 दिन में उनको रिवाइज कर सको। जैसे सूरसेन है, सूरसेन में धौलपुर, सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र आएगा, और भरतपुर में कौन सा, तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र आएगा। और बात करें तो इस बुक में अन्य नाम दिए हैं, अन्य नाम में एक तो मांड का नाम है कि मांड क्या है, और एक प्राचीन नाम दिया इसने बागड़ का नाम,
बागड़ का नाम दिया है, और एक प्राचीन नाम दिया इसने कांठल का नाम, एक प्राचीन नाम दिया है कांठल के मैदान का नाम, बागड़ का नाम दिया है इसने, और इसका मांड का नाम दिया है, और कांठल का चित्र, कांठल का चित्र या कांठल प्रदेश ऐसे नाम दिए। मांड क्या है? तो मांड प्राचीन वर्तमान जैसलमेर को प्राचीन काल में जैसलमेर, ये जो जैसलमेर है इस जैसलमेर को प्राचीन काल में मांड कहते थे, जैसलमेर को। और पूछ ले बागड़, तो बागड़ आपको पता ही है, डूंगरपुर है, और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? बागड़। पूछ ले डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? का क्षेत्र तो कहलाता है बागड़। और पूछ ले डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र नाम आते ही मित्रों मेवल क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेवल। ये कंफ्यूज करवाने वाले प्रश्न है, इनको अच्छे से रट्टा मार लेना। आपसे पूछे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उत्तर आएगा बागड़ कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर आएगा बागड़ कहलाता है। पूछ ले डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का भाग क्या कहलाता है, तो फिर उत्तर आएगा मेवल। मेवात, मेवल, बागड़, तीनों को अच्छे से रट लेना। मेवात का मतलब अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। मेवात का मतलब अलवर, भरतपुर का क्षेत्र। मेवात का मतलब अलवर, भरतपुर का क्षेत्र है। बागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ है। मेवल का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। पूछ ले मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, ठीक है। फिर पूछ ले कांठल क्षेत्र, तो कांठल क्षेत्र में याद रखना मित्रों, एक तो आएगा प्रतापगढ़, एक तो आएगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के पास में आएगी माही नदी। कौन सी आएगी? माही नदी। माही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कांठल। अकेला प्रतापगढ़ नहीं भी, कांठल प्रदेश किसे कहते हैं? तो आप बोल दोगे क्या? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नहीं, कांठल क्षेत्र। किस कांठल क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है तो बता देना। एक तो प्रतापगढ़ का जिला, और एक माई नदी का क्षेत्र। माई नदी और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो माई नदी है, माई नदी का जो किनारा है, इस किनारे पे बसा है कौन? प्रतापगढ़। इसलिए किनारे को कांठा कहते हैं, कांठे। किनारे को क्या कहते हैं? कांठे। इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया क्या? कांठल प्रदेश। अच्छे से रट्टा मार लेना, कांठल प्रदेश, प्रतापगढ़ और माई नदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल प्रदेश। माई नदी के किनारे को क्या कहते हैं? कांठे कहते हैं, कांठे, कांठे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कांठल प्रदेश। फिर बात करता हूं मैं आगे छप्पन के मैदान की। एक इसी बुक में नाम दिया है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या है तो बता देना। छप्पन गांव है। कितने गांव है? छप्पन गांव। छप्पन गांवों का समूह है, छप्पन गांवों का समूह है। लेकिन कौन से छप्पन गांवों का? तो फिर बता देना, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा के आसपास के 56 गांवों को छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा के आसपास के 56 गांवों को छप्पन का मैदान कहते हैं। अरे पूछ ले 56 की पहाड़ियां, पूछ ले 56 की पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ियां कहाँ है या नहीं है? 56 की पहाड़ियां बांस सिवाना में है, बाड़मेर में। 56 का मैदान कहाँ है? 56 का मैदान है मित्रों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के आसपास के 56 गांव क्या कहलाते हैं? 56 का मैदान। और पूछ ले 56 की पहाड़ियां, तो 56 की पहाड़ियां है सिवाना में। और सिवाना दुर्ग कहाँ है तो बता देना, बाड़मेर में है। तो 56 की पहाड़ियां कहाँ हुई? बाड़मेर में हुई। बाड़मेर का ये जो सिवाना का दुर्ग है मित्रों, पिछली सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, बाड़मेर में ये सिवाना का दुर्ग है वो किस चोटी पे है तो बता देना, बांसवाड़ा की 56 चोटियां चारों ओर से घिरा हुआ, बीच में से एक सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है हलदेश्वर की चोटी, उस हलदेश्वर की चोटी पर ये शिवाना का दुर्ग बसा हुआ है। 14वीं शताब्दी का है, और ये परमार वंश से संबंधित है। काफी खतरनाक प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर निकाल सकता है। तो 56 गांव की 56 की पहाड़ियां कहाँ है? शिवाना बाड़मेर में। और पूछ ले 56 का मैदान कहाँ है तो फिर बता देना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास का 56 गांव का समूह है। और यदि इस बुक में देखे कि अपन लोगों ने अब तक पढ़ा उसमें इस बुक में कोई चीज छूट तो नहीं गई है, तो फिर देख लेते हैं इसमें और किस नाम का उल्लेख है। कांठल का नाम आ गया, छप्पन का नाम आ गया, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया।
विराटनगर आ गई राजधानी, महाभारती ये पढ़ लिया, और उसके बाद में और भी कुछ रह गया है क्या? मांड पढ़ लिया, हाँ हाड़ौती पढ़ लिया, उपरमालो हाड़ौती बिजोलिया ये बच गया। ये देखो ये एक इसमें पहले ही पेज पे लिखा हुआ है उपरमाल, पहले ही अध्याय में उपरमाल। उपरमाल क्या है तो बता देना, ये एक जागीर थी अशोक परमार को मिली थी, इतिहास में पढ़ेंगे अशोक परमार को दी गई थी, किसकी जागीर तो बता देना उपरमाल की जागीर। और अभी पूछ ले क्षेत्र में, तो क्षेत्र में बता देना बेसरोडगढ़ है, बेसरोडगढ़ से लेकर के और बिजोलिया तक का क्षेत्र है, बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है तो बता देना उपरमाल। और उपरमाल क्या थी मित्रों तो बता देना एक जागीर थी, किसको मिली थी तो बता देना इतिहास में पढ़ेंगे अशोक परमार को, अशोक परमार को दी गई थी, ये इतिहास में पढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे। और पूछ ले कि ये बांसवाड़ा का क्षेत्र, बांसवाड़ा से लेकर ये बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है ना, बांसवाड़ा से बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, उपरमाल कहलाता है। पूछ ले कि भैसरोड़गढ़ कहाँ है तो बता देना वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है ये। और पूछ ले कि बिजोलिया कहाँ है तो बिजोलिया मित्रों भीलवाड़ा में है, बिजोलिया कहाँ है तो बिजोलिया बता देना भीलवाड़ा में है, अच्छे से रट्टा मार लेना ये कहाँ है, भीलवाड़ा में। उपरमाल से काफी बार एग्जामिनर ने प्रश्न पूछे हैं, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है। एक नाम था हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र ध्यान रखना, इसमें चार जिले काउंट करेंगे, कौन कौन से, एक का नाम आएगा कोटा, दूसरे का नाम आएगा बारा, तीसरे का नाम आएगा झालावाड़, चौथे का नाम आएगा बूंदी, बूंदी। ये चार जिले, चार जिले क्या कहलाते हैं, हाड़ौती क्षेत्र कहलाते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बारा झालावाड़ बूंदी, ये चार जिले क्या कहलाएंगे, हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन इस बुक की विशेष बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बुक ने केवल कोटा और बूंदी दो ही नाम लिखे है, कोटा और बूंदी दो ही नाम लिखे है। इस बुक की बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ये जो बुक आज पढ़ रहे हैं, इस बुक में केवल दो ही जिलों को हाड़ौती क्षेत्र कहा गया है, कोटा और बूंदी को। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन बुक में जो दे रखा है वो रटना है। ध्यान रखें हाड़ौती क्षेत्र में चार जिले आएंगे, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, लेकिन बुक में केवल दो दिए दे रखे हैं, तो ये भी ध्यान रखें, सावधान रहे, दो दो के जोड़े में कहीं से भी आकर के वो गलत करवा लेगा आपसे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने शुरुआत की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये जो बुक है, इस बुक की, इस बुक से पहले पेज का जो माजरा है वो समझ में आ गया होगा। तो बने रहे मित्रों मेरे साथ में लगातार YouTube पे, मैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है और फिर पुराने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है और नई NCERT की बुक है कंप्लीट करवाऊंगा। और ये जो कंटेंट मैं साथ में निकाल निकाल के आपको समझा रहा हूँ, ऐसे कंटेंट के नोट्स भी मैं टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम सर्च नौकरी सीकर के नाम से टेलीग्राम है, टेलीग्राम डाउनलोड कर ले, उससे जुड़ जाए, उसमें PDF मिल जाएगी आपको, समय समय पे जैसे क्लास होगी वैसे PDF डाल दी जाएगी, या फिर ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो पूरी पूरा जो नोट्स मैंने तैयार किए वो नोट्स वहाँ डाल दिया जाएगा। और नया अपना ऐप भी आ गया है, ऐप में टेस्ट सीरीज यदि कोई देना चाहे तो ये जो संपूर्ण बुकें होगी इनके प्रत्येक अध्याय का उसमें टेस्ट भी मिलेगा आपको, वो निःशुल्क फ्री मिलेगा। तो आप जाइए प्ले स्टोर पे और अपना जो ऐप है सर्च नौकरी सीकर के नाम से उसको डाउनलोड कर ले। आज की क्लास में इतना ही मित्रों, यदि क्लास समझ आई है और यदि ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है आपको तो मुझे थम्स अप दिखा करके और कमेंट बॉक्स में यस लिख के मेरा उत्साहवर्धन कर दीजिए, मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको ला करके यूट्यूब पे उपलब्ध करवा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी आपके सुझाव पे, आपके कॉमेंट पे निर्भर करेगा कि मैं कितना प्रयास करूँ, वो जितना प्रयास करूँ उतना पर्याप्त है या नहीं है। मेरा प्रयास यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।